उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम भक्तों और श्रद्धालुओं को निमंत्रण देने का अभियान निरंतर जारी है। पूजित अक्षत पाकर लोगों में प्रसन्नता है। सिद्धार्थ शंकर मिश्रा ने बताया कि जनपद के शहर व ग्रामीण इलाकों में पूजित अक्षत वितरण अभियान कार्यक्रम के तहत घर घर अक्षत रामलला के विग्रह का चित्र व आमंत्रण पत्र देकर 22 जनवरी को आनंदोत्सव मनाने का आग्रह किया जा रहा है। भाजपा नेता सिद्धार्थ शंकर मिश्र ने बताया कि जय श्री राम का जय घोष कर कार्यकर्ता अक्षत वितरण अभियान में बांटे जा रहे आमंत्रण पत्रक के माध्यम से भक्तों को अवगत करा रहे हैं। सर, क्या परिचय है आपका और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को होनी है अयोध्या में और लोकसभा चुनाव को लेकर भी आपने दावेदारी स्टार्ट होगा है, क्या कुछ कहना है? सिद्धार्थ शंकर मिश्रा मेरा नाम है और इस जिले में मैं बस्ती का निवासी हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और राम मंदिर को लेकर के जिले में हम लोग सभी गांव में जा रहे हैं और वहां पर सभी भाइयों से, सभी ही परिवारों से, हिंदू परिवारों से सबसे मैं हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आने वाली 22 तारीख को प्रभु अपने नवीन भवन में पहुंचने वाले हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आप अपने घरों में दिवाली मनाइए, खुशियां मनाइए और ये जो दिन है और इस दिन को पूरी तरीके से आप आनंद में इसको बिताइए और ये दिन आपके जीवन में खुशहाली लाए और आप इसको देख पा रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि इस बीच जो है निमंत्रण गया कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को गया निमंत्रण और कांग्रेस ने ठुकराया इस निमंत्रण को, इस पे आपका क्या विचार है, क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक पार्टी है, उन लोगों का अपना एक विषय होता है, अपनी व्यवस्था होती है, उसके तहत वो रणनीति बना करके लोग काम करते हैं, लेकिन ये आस्था का विषय है, राम मंदिर का विषय है और उनके स्वभाव में है कि यदि कोई देश में अच्छा कोई काम होगा तो उसका विरोध करना उनके स्वभाव में आ चुका है, उसको हम सभी परिवर्तित तो कर नहीं सकते। हमारा काम था उन तक निमंत्रण पहुंचाना, उसमें हम लोगों ने कोई को कसर नहीं की छोड़ा। हर इस देश के सभी वर्गों को, सभी राजनीतिक पार्टियों के मुखिया को, सबको राम मंदिर की का निमंत्रण गया है। अब जिसकी इच्छा वो स्वीकार करे, जिसकी इच्छा वो ना स्वीकार करे। वो ये भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है राम मंदिर। अब मंदिर है, मंदिर 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज देश में ये माहौल बन रहा है और ये मंदिर राष्ट्र मंदिर बन रहा है, जो ये कोई एक व्यक्ति का तो मंदिर है नहीं, तो समूचे राष्ट्र का मंदिर है और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसको राजनीति का मुद्दा बनाने वाले जो लोग कह रहे हैं उनकी अपनी एक बहुत छोटी सोच रख रहे हैं, वो उनको बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है और ये दिन आसान दिन नहीं है, इसमें कई वर्षों की पीढ़ियां खप गई है, इनको सोचना चाहिए, कई लोगों के बलिदान गए। तो आप अच्छा कार्यक्रम भी चल रहा है यहाँ जिले में और कुछ लोग कह रहे हैं कि काफी बैनर भी देखा गया है जिले में, तो क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से और क्या कुछ? देखिए, मैं तो एक साधारण स्वयं सेवक हूँ, जो संगठन का आदेश होता है उसको हम सभी मानते हैं और इस जिले के 14 ब्लॉकों में, 14 प्रखंडों में कोई भी नया पंचायत का कोई गांव छूटेगा नहीं जहां हर घर अच्छा हम सभी पहुंचाएंगे नहीं। सभी कार्यकर्ता, सभी राम भक्त लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए और बहुत बड़ा उत्साह समाज के बीच में देखने को मिल रहा है जहां हम सभी जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी करीब आ गया है, आप प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? अब सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी मौका देती है दावेदारी करने के लिए, तो आपके माध्यम से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। राजनीतिक मुद्दा क्या रहेगा सर आपका? अगर देखिए, हमारा अपना विकास का रोड मैप है, जो हमारे अपने तरीके हैं काम करने के लिए, जनता के बीच में जो भी समस्याएं हमको दिखती है इस 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और बीते 7 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में और देश में सरकार चल रही है, सभी क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर इन लोगों की नजर नहीं है और जिनमें विकास के कार्य हो नहीं रहे हैं।
आप अगर देखेंगे किसी क्षेत्र को आप उठा के देख लीजिए, भारत में जितने भी क्षेत्रों को आप जानते हैं, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्रों में आप देखिएगा उसमें आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है 10 वर्षों में। थोड़ा सा जो हमारे पास जो हम मैं देखता हूँ कि जिले में जो समस्याएं ये लोकल लेवल पर आती है उसको सुधार की प्रक्रिया में लाने के लिए जो भी रोड मैप हमारा अपना उसके तहत हम काम करने के लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से जो है भारत को जोड़ लिया हूँ, इस लोकसभा में जो है मोदी नहीं आने वाले हैं इस बार। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं ये राहुल गांधी जी को खुद सोचना चाहिए जी। देश आजाद होने के बाद से आज तक कांग्रेस की ही सरकार पे 10 वर्ष अगर छोड़ दिया जाए, और बीच में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो एक बहुत बड़ा समय इन लोगों ने सरकार मतलब भारत की जनता ने इन लोगों को मौका दिया था, और उसके बाद इनको अब यहाँ आकर के भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है, तो उसके पीछे इनकी क्या रणनीति है और क्या मंशा है तो समझने की, ये हम सभी तो समझ सकते हैं कि इन्होंने कौन सा बीज बोया था और कहाँ इन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश की थी और फिर भारत को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको खुद सोचना चाहिए राहुल गांधी जी को जी। और क्या कुछ अपील करेंगे यहाँ की जनता से? क्या जनता से अपील आपके माध्यम से ये कर रहा हूँ कि आने वाले 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में दीपक जलाएं, खूब खुशियां मनाएं, सुंदर कांड का पाठ करें, भगवान अपने नवीन भवन में पहुंच रहे हैं, इस मौके पर अपने आस पड़ोस में भी सूचना दें, कोई घर ऐसा ना बचे जहां दीपक ना जले। 14 वर्षों के बाद जब प्रभु आए थे अयोध्या तो पूरे देश ने दीपावली मनाई थी, और ये जो समय आज हमारे सामने आने वाला ये 500 वर्षों की कठोर तपस्या है, और 14 वर्षों के बाद जब आप दिवाली मनाए थे तो 500 वर्षों के बाद जब ये दिन आ रहा है तो इसको बहुत बड़े पर्व के रूप में हम सभी मनाएं, यही हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं। ठीक ठीक देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।